नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं बेरमो की साप्ताहिक डायरी। इस हफ्ते धनबाद के जज उत्तम आनंद के मौत के मामले में सीबीआई की टीम गोमिया थाना पहुंची थी। यहां सीबीआई की टीम ने गोमिया थाना क्षेत्र के कई लोगों से इस संबंध में पूछताछ की। जब सीबीआई की टीम पूछताछ करने के बाद चली गई, तब उन लोगों ने बताया कि उन्हें जज उत्तम आनंद के मामले में उनसे जानकारी ली गई। दरअसल उत्तम आनंद 2017 से लेकर 2020 तक तेनुघाट में एडीजी के पद पर कार्यरत थे। इसी संदर्भ में उन लोगों से इस संबंध में जानकारी ली गई। आईएल थाना क्षेत्र के युवक अविनाश कुमार कल आईएल के फुटबॉल ग्राउंड में सिपाही बहाली के लिए वह प्रैक्टिस कर रहा था। दौड़ के बाद वह जॉगिंग करने लगा। उसी समय उसे सीने में दर्द हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आसपास उनके साथ और भी साथी कसरत कर रहे थे। उन लोगों ने उन्हें तत्काल आईएल के आरडीआर अस्पताल में ले गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बेरमो थाना क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी सुभाष सिंह का कल पहाड़ी मंदिर के निकट एक पेड़ पर उसका शव फंदे पे झूलता हुआ मिला। जब कुछ लोग उधर घूमने के लिए गए हुए थे, तब उनकी शव को पेड़ पर झूलता हुआ देखा, तब बेरमो की पुलिस को सूचना दी और इसके साथ ही उनके परिजनों को भी सूचना दी। आनन फानन में उनके घर वाले वहाँ मौके पर पहुँचे और पुलिस भी पहुँची, जिसके बाद शव को नीचे उतारा गया। बताया जाता है कि वह सुबह से ही घर पर नहीं थे और परिजन उन्हें ढूंढ रहे थे। पुलिस ने संबंध में बताया कि जब तक नहीं जाँच हो जाती है, इस संबंध में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। गोमो बरकाकाना रेलखंड के डुमरी स्टेशन के निकट एक अज्ञात शव रेल पटरी पर मिला। जब इस संबंध में सूचना स्टेशन मास्टर और जीआरपी को दी गई, तब वे मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन अभी तक इस बात की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि वह मृतक कहाँ का था। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर में एक विधवा महिला के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा था। यौन शोषण के आरोप में हेमलाल करमाली को बोकारो थर्मल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जाता है कि वह शादी के झांसा देकर कुछ दिन अपने घर पर रखा, लेकिन जब महिला शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा, तब उस महिला को घर से निकाल दिया। विवश होकर उक्त महिला ने बोकारो थर्मल पुलिस को लिखित शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र एवं पेटरवाड़ थाना क्षेत्र के खेतको स्थित बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। बताया जाता है कि बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जरंडी स्थित रेलवे साइडिंग से बड़े पैमाने पर कोयला वहां से उठाकर ले जा रहे हैं और खेतको के रास्ते बाहर के मंडियों में भेजा जा रहा है। वैसे तो बोकारो थर्मल पुलिस ने पिछले दिनों छापेमारी कर लगभग 30 टन कोयला बरामद किया है, लेकिन चोरी की घटना बदस्तूर जारी है। अनुमंडलीय अस्पताल बेरमो के प्रभारी डॉक्टर गणेश गुप्ता का निधन हो गया। वह 46 वर्ष के थे। बताया जाता है कि वह कुछ दिनों से बीमार थे और अपना इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में करा रहे थे। इसी सप्ताह उनके निधन होने की खबर आई, जिससे अस्पताल कर्मी सहित आसपास के लोगों ने काफ़ी दुख प्रकट किया। गोमिया थाना क्षेत्र के होसी रोड साड़म में जर्जर आवास गिर जाने के कारण एक गृहस्वामी घायल हो गया। बताया जाता है कि होसिर के निवासी विकास चौधरी का छत जर्जर हो गया है और जब वे सो रहे थे, तब छत का मलबा उसके ऊपर ही गिर गया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी प्रकार साड़म निवासी सजल कुमार डे के जर्जर आवास भी गिर गया। संजोग था कि उस घर में कोई नहीं था, जिसके कारण उन्हें कुछ नहीं हुई, लेकिन घर में रखे सामान क्षतिग्रस्त हो गए। राज्य के शिक्षा मंत्री और डुमरी के विधायक जगन्नाथ महतो 1 साल 23 दिन बाद अपने घर लौटे। घर लौटने के पहले जिले में 2 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। उनके लौटने से विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने खुशी जाहिर की और उनका भव्य स्वागत भी किया।
आप देख रहे थे बेरमो की साप्ताहिक डायरी, मैं हूं अनंत कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।